सर, योर गुड नेम प्लीज। अभिषेक दीक्षित। अभिषेक जी, क्या एनर्जी थी इनकी और स्टेडियम में क्या एनर्जी हुई है वो आप वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच सर। वेल हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मैं अभी हूँ अपनी स्कॉर्पियो एन में और अब मैं जाने वाला हूँ टैंक फुल कराने, बिकॉज हमने किया एक माइलेज टेस्ट अप्रॉक्सीमेट 600 किलोमीटर्स का, जिसमें हम गए हैं चंडीगढ़ से अमृतसर एंड देन बैक टू चंडीगढ़। अब वैसे तो मैंने इस गाड़ी का ऑलरेडी एक माइलेज टेस्ट किया है, जिसमें हम दिल्ली गए थे और अप्रॉक्सीमेट 500 किलोमीटर्स कवर किए थे। उसमें स्टॉक व्हील्स थे, स्टील व्हील्स जो Z6 मॉडल के साथ आते हैं, और स्टॉक टायर साइज था जो कि 245/65 R17, और माइलेज निकली थी 19 किलोमीटर्स पर लीटर की। बट उसके बाद थोड़ी खुजली जागती है अलॉय डलवाने की, बिकॉज जो गाड़ी का स्टांस है ना वो अलॉयज़ के साथ ही आता है। तो वी वेंट फॉर द स्टॉक अलॉय व्हील्स जो कि 18 इंचेस के आते हैं। अब 18 इंच के अलॉय डलवा लिए तो ऑब्वियसली बात है टायर भी अपग्रेड कराना पड़ेगा। तो टायर हमने यूज़ किए हैं थार के 18 इंचेस, जिसका साइज है 255/65 R18। तो इसलिए हमने एक माइलेज टेस्ट दोबारा किया और क्या रिजल्ट निकला ये सारा हम देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सुबह हमें निकलना था अराउंड 6 बजे के आसपास, तो मैंने एक दिन पहले ही गाड़ी का टैंक फुल करवा लिया और डीजल हम भरेंगे गाड़ी के ब्रिम तक, जो आप येलो एरिया देख सकते हो, ताकि वापसी पे भी इतना ही भरें और आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे सकें। तो इसी के साथ ट्रिप मीटर को करते हैं रीसेट और जर्नी करते हैं शुरू। ऑलराइट गाइस, तो हमने स्टार्ट किया था सुबह 6 बजे और अराउंड 4 घंटे लगे हमें अमृतसर पहुंचने में। अब नॉर्मली मैं क्रूज़ करता हूँ 80 से 90 के बीच में, बट हमें रोपड़ और जलंधर के बीच जो स्ट्रेच था वहाँ मिली है धुंध, वो भी ज़बरदस्त वाली, और वहाँ पे जो स्पीड्स हमारी थी वो मोस्टली 50 के आसपास ही थी, उससे ज़्यादा नहीं कर पाए थे। काफ़ी बार इमरजेंसी ब्रेकिंग भी करनी पड़ी थी, तो उसकी वजह से हो गए हम आधा घंटा लेट। बट जैसे कहते हैं, देर आए मगर दुरुस्त आए। लेकिन अब तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए ज़रूरत थी नाश्ते की और एक गर्मा गर्म कप चाय की, क्योंकि सर्दियों में चाय उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी फ्लाइट में विंडो सीट। और इसी के साथ पहुंचते हैं हम अपनी पहली डेस्टिनेशन पे, जो कि है गुरुद्वारा शहीदां साहब। बाबा दीप सिंह जी दे दर ते नतमस्तक होने लई। और इसके बाद हम चल पड़े इस सफ़र में अपनी दूसरी मंजिल की ओर, जहां मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार जा रहा था। वैसे आप इंट्रो में देख के समझ ही गए होंगे कि हम कहां जा रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझे हैं तो रुको, ज़रा सब्र करो, दिखाते हैं आपको। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें पार करना था अमृतसर का भयंकर ट्रैफिक, और आज लग रहा था कि भाई दिल्ली से हम भी कम नहीं है, अमृतसर भी पूरी टक्कर दे रहा है ट्रैफिक के मामले में। अब मंजिल नज़दीक थी तो हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक, बिकॉज जोश की ज़रूरत तो पड़ेगी ना वहाँ पे। तो जब तक हम फ्रेश होते हैं आपको गाड़ी की रीडिंग बता देता हूँ। तो स्कॉर्पियो एन हमारी अभी तक चल चुकी है 271 किलोमीटर्स और जो माइलेज डिस्प्ले हो रहा है वो है 18.4। तो आगे शान से लहराता तिरंगा देख के और उसके पीछे पाकिस्तान का झंडा देख के आपको ये तो पता लग गया होगा कि हम आए हैं अब वाघा बॉर्डर, और आज देखेंगे यहाँ पे लाइव रिट्रीट सेरेमनी। तो वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और वीडियो का पूरा मजा लीजिएगा। और आप पीछे देख सकते हो पाकिस्तान और हम खड़े हैं इंडिया में, और वाघा बॉर्डर की जो फील है ना वो यहाँ पे आके ही पता लगती है। आप सारा देख सकते हो पीछे। अब वैसे तो दोनों मुल्कों में शांति है, लेकिन यहाँ जंग रोज होती है जोश और जज्बे की। तो अपने जोश का फ्यूल टैंक फुल करने के लिए बने रहिएगा वीडियो में। भारत माता की जय।
जो आप पूरी स्टेडियम में एनर्जी देख रहे थे वो सिर्फ एक इंसान की वजह से। सर योर गुड नेम प्लीज। अभिषेक दीक्षित। अभिषेक जी क्या एनर्जी थी इनकी और स्टेडियम में क्या एनर्जी हुई है वो आप वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो मेरा एक्सपीरियंस तो वाघा बॉर्डर का बाकमाल रहा। अगर आपको भी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख देना। तो इसी के साथ हम स्कॉर्पियो एन को कर लेते हैं पार्क और तीसरी मंजिल पे जाएंगे कल सुबह। फिलहाल गाड़ी हमारी चल चुकी है 317 किलोमीटर्स और जो माइलेज डिस्प्ले हो रही है वो है 18.2। और अगले दिन सुबह 5 बजे हम पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन इस जर्नी की, जो कि है श्री हरिमंदर साहब। क्योंकि अमृतसर आइए ते मत्था ना टेकिए, एक ही में हो सकता है। हुण सवेरे 5 बजे भी किन्नी संगत दर्शन करने लिए आई है तुसी स्क्रीन ते देख सकते हो, ते सानू भी दर्शन करने नहीं लगे 5 घंटे। और इसी के साथ हमारा अमृतसर का ट्रिप होता है कंप्लीट एंड इट वाज टाइम टू हेड बैक होम। तो अब वापस चलते हैं चंडीगढ़, टैंक फुल करवाते हैं और आपको रिजल्ट बताते हैं। एंड नाउ वी आर एट द पंप एंड इट इज टाइम टू फाइंड आउट कि गाड़ी ने कितनी माइलेज दी है। पंप इज जीरो। ओके कर दो भैया, स्टार्ट कर दो एंड अब फुल करते हैं टैंक को और देखते हैं क्या माइलेज आती है। अभी ऊपर तक फुल कराते हैं और फिर देखते हैं। ऊपर तक कर दी यार, ऊपर तक कर दी बस। नहीं एंड जहां तक हमने स्टार्ट किया था वहीं तक फुल कर दिया है हमने। अब देखते हैं माइलेज कितनी आती है। तो टैंक हमने फुल करा लिया है, फ्यूल कितना आया आप देख चुके होंगे। अब आपको गाड़ी भी दिखा देते हैं कितनी चली है। इस टाइम गाड़ी चली हुई है 582 किलोमीटर्स। तो 582.1 डिवाइडेड बाय 34.35 इस बार है अराउंड 17 km/h की माइलेज आई है। हाँ जी अलॉय पवाने हैं तो 2 किलोमीटर की एवरेज कटानी पड़ेगी। तो यू डिसाइड एंड लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स के विल यू सेव 2 किलोमीटर पर लीटर या फिर अलॉयज डलवाओगे और 2 किलोमीटर की कुर्बानी दे दोगे। तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज़ रमन साइनिंग ऑफ।